गुड इंडियन वुमेन के डेफिनेशन में एक बार फिर नई विशेषता जोड़ी गई है। नई विशेषता ये है कि सेक्सुअली हैरेस होने के बाद, रेप होने के बाद वो सोए नहीं। अगर वो सो गई तो आदर्श भारतीय नारी नहीं हो सकती। इस नई विशेषता को जोड़ने वाला कर्नाटक हाई कोर्ट है। 22 जून को कोर्ट ने रेप के एक आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल दी और शिकायतकर्ता महिला से कुछ सवाल भी किए, जैसे वो रात 11 बजे ऑफिस में क्या करने पहुंची थी, उसने आरोपी के साथ ड्रिंक क्यों की, अगर उसके साथ शोषण हुआ था तो वो थक कर क्यों सो गई थी। आखिरकार ये भारतीय स्त्री के गुण नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू कोर्ट। लेकिन आखिर भारतीय स्त्रियों के गुण हैं क्या? भारतीय स्त्रियों के गुणों पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। अगर किसी ने गीता प्रेस की स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी पढ़ी है तो उसके लिए उन्हें समझना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। आदर्श महिला बनने की ट्रेनिंग वो किताब कई सालों से दे रही है। नारी धर्म, स्त्री के लिए कर्तव्य दीक्षा, दाम्पत्य जीवन के आदर्श जैसे उनके एडिशन किताबें अच्छी भारतीय स्त्री बनाना सिखाती रही हैं। भले ही ये किताब 1926 में सबसे पहले लिखी गई थी, लेकिन गीता प्रेस की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक रही है। ये आदर्श रूप टीवी सीरियल्स में, एड में, सोशल मीडिया पर, खबरों में भी दिखी जाता है। तभी पुणे में गिरफ्तार ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वरवर राव की बेटी से पुलिस ने पूछा था, शादी हो गई तो शादीशुदा औरतों की तरह सिंदूर क्यों नहीं लगाया। और अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक शख्स की तलाक याचिका पर चौंकाने वाला फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद सिंदूर और शंख चूड़ियां पहनने से इनकार करती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसे ये शादी अस्वीकार है, मतलब उसने शादी को रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी तक तो आपको हिंट मिल गया होगा कि आदर्श लड़की कहते किसे हैं। वो जो माँ बाप के कहने पर चले, उनकी पसंद के लड़के से शादी करे, करियर चुने, जो फॉर्मर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी के मुताबिक अपने हार्मोनल विस्फोट पर कंट्रोल रख पाए। हॉस्टलों में नाइट कर्फ्यू भी आदर्श औरतों की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और कोर्ट भी अब जस्टिस देने के लिए गुड इंडियन वुमेन की तलाश करती हैं। ये बात अलग है कि भारतीय बार एसोसिएशन की स्टडी कुछ और ही कहती है। उसके मुताबिक 69% औरतें सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट नहीं करती, इसके बावजूद उसे झेलती हैं। NCERB का डेटा कहता है कि देश में हैरेसमेंट के मामलों में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर करीब 18.9% ही है। और बेशक विक्टिम को कल्प्रिट बनाने का ये मामला पहला नहीं है। पीपली लाइव वाले डायरेक्टर महमूद फारूकी रेप के आरोप से बरी कर दिए गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर आरोप लगाने वाली अमेरिकन रिसर्चर के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि आरोपी पीड़ित के नो को यह समझ बैठा था। दिल्ली हाई कोर्ट की मशहूर एडवोकेट रेबेका जॉन के फेसबुक पेज की एक पोस्ट में ऐसी 16 दलीलों का जिक्र है जो रेप के मामलों के दौरान अक्सर सुनने को मिलती है, कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर। जैसे, देखकर तो नहीं लगता कि उसका रेप हुआ होगा, उसके कपड़े तो देखो, वो तो खुद ही मुसीबत को न्योता देती है, रात को घर के बाहर क्या करने गई थी, इसके अलावा भी कई बेतुके सवाल। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मृणाल सतीश की किताब एक मिसाल है। किताब में 1984 से 2009 के बीच रेप के 800 केसेस की छानबीन की गई। इसमें कहा गया है कि अगर रेप का आरोपी कोई परिचित व्यक्ति होता है, पीड़िता शादीशुदा और सेक्सुअली एक्टिव होती है तो अपराधियों को कम सजा मिलती है। कर्नाटक रेप केस में लड़की का थक कर सो जाना गलत है, क्योंकि लड़की शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा हो तो पति के शोषण के बाद उसे थक कर सो जाना चाहिए, क्योंकि मैरिटल रेप हमारे यहाँ रेप नहीं माना जाता। हमारे देश के कानून बहुत दिलचस्प हैं, अक्सर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की हियरिंग में कहा था कि अगर आदमी अपनी 15 साल से ज्यादा उम्र की बीवी के साथ जबरन सेक्स करता है तो वो कोई क्राइम नहीं होता। नोशन ये है कि भला पति पत्नी का रेप कैसे कर सकता है। दरअसल IPC की सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 है, जिसमें कहा गया है कि पति और पत्नी जो कि 15 साल से ज्यादा उम्र की हो के बीच का शारीरिक संबंध क्राइम नहीं है। मौजूदा रेप कानून 15 से 17 साल के बीच के लड़के और लड़की के बीच कंसेंट से सेक्स को संज्ञेय अपराध कहता है। इसके अलावा हमारे देश में 2012 का पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस भी है। इस कानून के तहत 18 साल से जो भी कम है वे बच्चे हैं।
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप की याचिका ये कहकर खारिज की थी, ये पर्सनल कॉज है, पब्लिक कॉज नहीं। ये सिर्फ उस टाइम का एक स्टेटमेंट बता रही हूँ। कुल मिलाकर हमें ये मानना होगा कि हर आज़ाद औरत और हर बिंदास युवती मनचली नहीं होती। लड़कियों को एम्पावर करने की मुहिम जोर शोर से चल रही है। क्या कोई लड़कों को भी इन एम्पावर्ड लड़कियों के लिहाज से तैयार कर रहा है?